जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज 92 वार्ड में एमपी वर्षा गायकवाड़ का आना हुआ। गणेश उत्सव के शुभ मौके पे मैडम का आना हुआ है। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गणपति का जो मुंबई का खास स्पेशल उत्सव होता है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का जो फेस्टिवल होता है, वो बड़े पैमाने पे हर घर में आपको पता है सार्वजनिक रूप में, क्योंकि महाराष्ट्र की जो परंपरा रही है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की रहे, लोकमान्य टिलक जी के रहे, समाज प्रबोधन का माध्यम करके गणेश उत्सव को शुरू किया गया था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम राजेश बिड़ला जी के यहाँ पे आए हैं, जो लगातार यहाँ पे अलग अलग फंक्शन करते हैं। पिछले बार इसी जगह पे जो है वो हम लोग जो है पिछले बार जो हम लोग आए जो इसी जगह पे आए थे, जिस दिन हम लोग ने यहाँ पे बुक का वाटअप रखा था, आज गणेश जी का आशीर्वाद लेने आए। बस उनका आशीर्वाद हो और यहाँ पे डेवलपमेंट के काम जल्द से जल्द शुरू हो, यही मेरी इच्छा है। मुंबई में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम में महंगाई को लेके, जिस तरह से वेजिटेबल बहुत महंगे हो गए, तो आपकी क्या पकड़ है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बात रखी है? ऑलरेडी मैंने ये बात रखी है कि चाहे वो महंगाई रहे, बेरोजगार रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो गिरा, उस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता से खेला जा रहा है, उस सभी विषय में अब कल परसों राहुल गांधी जी के ऊपर जो स्टेटमेंट आ रही है वो सरासर गलत हो रहा है। जिस तरह से MLA कहते हैं कि या उनके माजी MLA कहते हैं कि उनको मार डालना चाहिए, धमकी देते, ये कानून का राज है, यहाँ पे देश का संविधान चलता है। और दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार फेलियर है, और हमें मालूम है आने वाले दिनों में गणपति बप्पा जी सबको न्याय देंगे, और हमें पूरा यकीन है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे आएगी। देखिए किस तरह से वर्षा गायकवाड़ जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिनकी विचारधारा बताई।